नमस्कार दोस्तों, फिर से स्किल इंडिया आईडिया चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग को मेरी वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। आज हम पढ़ेंगे हीट ट्रीटमेंट यूनिट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट का कहना था दोस्तों कि जो हमारे जो क्वेश्चन है बहुत ही लो लेवल के हैं, बट हमारे साथ जो है सभी लेवल के स्टूडेंट जुड़े हैं, तो हम कोशिश करेंगे पहले कि लो से स्टार्ट करें और हाई लेवल की तरफ बढ़े, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे है कि जो गवर्नमेंट एग्जाम में आए हैं। फिर भी हम नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे, नई सीरीज बनाएंगे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी के लिए, तो हम उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन ऐड करेंगे। तो आज का हमारा हीट ट्रीटमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टील का नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य होता है। जो स्टील का नॉर्मलाइजिंग करते हैं हम किसके लिए करते हैं? ऑप्शन ए है उत्पन्न स्ट्रेसों को दूर करना, ऑप्शन बी है मशीन एबिलिटी में सुधार करना, ऑप्शन सी है स्टील को सॉफ्ट करना, और ऑप्शन डी है टफनेस बढ़ाना और ब्रिटलनेस कम करना। तो स्टील की जो नॉर्मलाइजिंग करते हैं दोस्तों वो करते हैं उत्पन्न स्ट्रेसों को दूर करना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें आपका पूछा गया है जो हीट ट्रीटमेंट के बाद एक कंपोनेंट क्रैक हो जाता है, इसका संभावित कारण क्या है? जब हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो हीट ट्रीटमेंट के बाद हमारा कंपोनेंट होता है मीन्स जॉब होता है वो क्या हो जाता है? क्रैक हो जाता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन ये है इसे लंबे समय तक गर्म किया गया था, ऑप्शन बी है इसे गर्म करने से पहले ही सही तरह से साफ नहीं किया गया, ऑप्शन सी दिया है इसे ब्राइन में तुरंत ठंडा किया गया था, और ऑप्शन डी दिया है हवा में धीरे धीरे ठंडा किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसे ब्राइन में तुरंत ठंडा किया गया था जिसके कारण क्या आ गई उसके ऊपर क्रैक आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड किए हुए टूल से इंटरनल स्ट्रेसों को दूर करने के लिए प्रायः हीट ट्रीटमेंट की कौन सी विधि प्रयोग में की जाती है? जो हमारा हार्ड किया हुआ टूल है उस टूल से इंटरनल स्ट्रेसों को दूर करने के लिए हम कौन सी क्रिया करते हैं हीट ट्रीटमेंट की? ऑप्शन ए है स्टेबलाइजिंग, ऑप्शन बी दिया है एनेलिंग, ऑप्शन सी दिया है नॉर्मलाइजिंग, और ऑप्शन डी दिया है टेम्परिंग। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी नॉर्मलाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको पूछा गया है स्टील में टफनेस बढ़ाने और ब्रिटलनेस कम करने वाली हीट ट्रीटमेंट विधि को कहते हैं। क्या करना है हमें? स्टील में टफनेस बढ़ाना है और ब्रिटलनेस कम करना है, तो उस विधि को क्या कहते हैं? एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग या केस हार्डनिंग। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी टेम्परिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केस हार्डनिंग की एक विधि में स्टील पर अमोनिया गैस को छोड़ा जाता है, इसे कहते हैं। तो एक केस हार्डनिंग की विधि होती है जिसमें स्टील पर क्या करते हैं अमोनिया गैस को छोड़ा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए साइनाइडिंग, ऑप्शन बी नाइट्राइडिंग, ऑप्शन सी कार्बोराइजिंग, और ऑप्शन डी दिया है एमोनाइजिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी नाइट्राइडिंग। अगला है, टूल स्टील को निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद क्विंच क्यों किया जाता है? जो टूल स्टील होता है उसको निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद क्या करते हैं? क्विंच करते हैं। क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए इंटरनल स्ट्रेसों को उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन बी हार्डनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ऑप्शन सी स्केल को नीचे लाने के लिए, और ऑप्शन डी अपने वास्तविक स्ट्रक्चर में वापस लाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी हार्डनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो होते हैं हम क्या करते हैं इसको क्विंच किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील के पार्ट की बाहरी सरफेस को खालिस्तान के द्वारा हार्ड किया जाता है। जो माइल्ड स्टील होता है, माइल्ड स्टील को लो कार्बन स्टील भी कहा जाता है, तो माइल्ड स्टील के पार्ट के बाहरी सरफेस को खालिस्तान के द्वारा हार्ड किया जाता है। ऑप्शन ए है टेम्परिंग, ऑप्शन बी है नॉर्मलाइजिंग, ऑप्शन सी है केस हार्डनिंग, और ऑप्शन डी है हार्डनिंग। तो इसके क्या होता है दोस्तों, माइल्ड स्टील को जो होते हैं हम बाहरी सरफेस को केस हार्डनिंग विधि द्वारा क्या करते हैं सरफेस को हार्ड किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केस हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्राइडिंग विधि में NH3 गैस को खालिस्थान पर छोड़ा जाता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 560 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन बी दिया है 575 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ऑप्शन सी दिया है 600 डिग्री सेंटीग्रेड से 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और ऑप्शन डी दिया है 650 डिग्री सेंटीग्रेड से 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 560 डिग्री सेंटीग्रेड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है हाई स्पीड स्टील को खालिस्थान पर टेम्पर किया जाता है, जो हाई स्पीड स्टील होती है उसको कितने टेम्परेचर पर टेम्पर किया जाता है? ऑप्शन ए 220 से 230 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 230 से 270 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी दिया है 280 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑप्शन डी दिया है 550 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो हाई स्पीड स्टील होता है उसको 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया जाता है टेम्पर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है फर्नेस में उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब जो उच्च तापमान वाला होता है फर्नेस, उसमें उच्च तापमान को मापने के लिए हम निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे?
ऑप्शन ए दिया है थर्मोमीटर, ऑप्शन बी दिया है बेरोमीटर, ऑप्शन सी दिया है कैलोरीमीटर और ऑप्शन डी दिया है पायरोमीटर। तो दोस्तों आपको पता ही है कि अधिक उच्च तापमान मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं वो होता है पायरोमीटर। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हार्डनिंग करते समय हाई कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान कितना होता है? तो हार्डनिंग करते समय जो हमारी हाई कार्बन स्टील होती है उसका लोअर क्रिटिकल तापमान कितना होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है 960 डिग्री सेंटीग्रेड, बी दिया है 900 डिग्री सेंटीग्रेड, सी दिया है 723 डिग्री सेंटीग्रेड और डी दिया है दोस्तों 560 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 723 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें पूछा गया है हाई स्पीड स्टील मिलिंग कटर की लगभग हार्डनेस होती है, जो हाई स्पीड स्टील होता है उसके मिलिंग कटर की हार्डनेस होती है वो कितनी होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है 45 डिग्री 45 HRC, ऑप्शन बी दिया है 52 HRC, ऑप्शन सी दिया है 62 HRC और ऑप्शन डी दिया है 75 HRC। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 62 HRC, जो हाई स्पीड स्टील होती है उसमें जो मिलिंग कटर बना होता है जो उसकी जो हार्डनेस होती है वो होती है 62 HRC। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें पूछा गया है हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य होता है जो हम